देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बहुत दिन के बाद एक घर में आज हम हंसी ठहाका के कुछ सुनने बानी। ऐसे हम नहीं चाहत कि हमरा वजह से या के और के वजह से ये खुशी खत्म हो गए। साफ साफ बताइए आरती जी, बात कब? हमार प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बाय यश जी। डॉक्टर कुरियन के कहना बाकी हम अबॉर्शन करा ली। अभैल आप ऐसे काहे देखत आनी आप हमके? देख रहल बानी एगो माई के तड़प। बाहर से कितनों कठोर काहे न नजर आवे, लेकिन एक माँ जब अपन बेटा के तकलीफ देखे ले पिघल ही चले। शोभा सब ठीक हो जाए, हम अपन प्रशांत के कुछ ना होके दे। सुने डॉक्टर साहब, हमने के बेटा के का भइला? जब तक के पेशेंट के सारा रिपोर्ट्स नहीं किया जात, हम कुछ नहीं की कर सकत। आरती जी, हम आपके बात समझाते नहीं, आपके जज्बात की कदर करते नहीं हम, लेकिन ये हालत में आरती जी आपके प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करे के चाहिए। हम कोनो भी हालत में आपके खतरे में नहीं के डाल सकत, आपके जिंदगी के खतरा में डाले के कोशिश भी नहीं के कर सकत। आरती जी समझी जी, हम ये बच्चा के दुनिया में लावे चाहता नहीं, हम एक जन्म देवे चाहता नहीं। अशी हमने के प्यार के निशानी बा, हमने के रिश्ता की पहचान बा। हम खुद आपके डॉक्टर कुरियन के पास ले चला। उनकर कहना बा कि ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एक ऑपरेशन बा, रिजल्ट्स चाहे गारंटेड होके ना होके बाकी हम ही चांस ले। ये ऑपरेशन के करावे खातिर उनका आपकी इजाजत की जरूरत बा। प्लीज यश जी, प्लीज हमारे साथ चली, बस हमारे साथ दे दी यश जी प्लीज। भगवान खातिर अपनी जिद छोड़ा आरती, भावना में बहके ना बल्कि प्रैक्टिकल होके सोचा। अगर तुहार जान के कुछ हो गए था भाभी, आप भी तो एगो माँ बनी ना, एगो नन्नी सी जान के अपना अंदर महसूस कहिल, ओकरा के जन्म देल, इस सुंदर अनुभव के वरदान भगवान केवल औरतन के दिले बड़े। फिर हम ये पाप कैसे कर सके नी भाभी, अपन अंदर पल रहल नन्हा सा जान के सांस हम कैसे रोक सके नी, कैसे? देखा आरती, इस समय दिल से ना दिमाग से सोचे के बाप, तीन तीन प्यारे को बच्चा बाड़े तोहार और यश के, हम जानते नहीं कि फैसला लिया हमनी सब खातिर इतना आसान नहीं है, फिर भी अपन जिंदगी के साथ खिलाल सही नहीं है। का हो गल बात तू सबके?
कैंसर। ये क्या कह रहे बनी आप डॉक्टर साहब? जी हकीकत ही है बा कि आपके बेटा प्रशांत के कैंसर बा। और वो भी एडवांस स्टेज पे बा। और हमके बड़ा दुख के साथ कहे पड़ रहा बा कि ओकर पास समय बहुत कम बा, शायद 2 या 3 महीना बस। घर आपके बा, अगर आपके यहाँ रहल हमार मंजूर नहीं था, हम चल जाए। लेकिन हमार आपसे को विनती बा, बस कुछ दिन खातिर हमके अपन पास रहे के इजाजत दे दी। अब हमसे अकेलापन सहल नहीं जात। सन्नाटा का कान में चुभेला मा, दम घुटेला हमार, हमार दम घुटेला प्लीज। हमरा खातिर ही अजनबी है और अजनबी ही रही, कहे कि हम ही बात पे विश्वास रखता नहीं कि एक बार कहो के श्राद्ध कर देवल जाओ तो हमेशा हमेशा खातिर खत्म हो जाला। हमरे भगवान की कसम, आज के जमाने में तू लोग ऐसा बेकार के बात कर रहा बड़ा। अरे वो दिन अब गए जब ना अस्पताल होत रहल, ना डॉक्टर होत रहल, ना मरीज के इलाज होत रहल। लेकिन तब वो औरतें ये दर्द सह के भी अपने वंश के आगे बढ़ावत रहली ना। कई बार तो अपन जान भी दे देत रहली। हम माने नहीं आरती के थोड़ा बहुत तकलीफ हो की और उकरे जान के भी खतरा हो सकेला, लेकिन हमने ओकर बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाए के ना। एक तो वैसे ही घर में कोनो चीज के कमी नहीं खे, भगवान का दिहल सब कुछ बा हमने किया। अब ऐसा तब बान आए कि आरती अपने मायका में बा, जहां वो बेचारा एक इलाज का खर्चा भी ना उठा पाई है। भैया भैया हम ये ऐसे कह रहल बानी कहे कि आप तो जाने नहीं कि गायत्री भाभी अपना ए पोता के मुंह देखे खातिर कितना बेचैन बड़ी। इतना बड़ा ऑपरेशन होखला के बाद भी उनकर तबियत कितना जल्दी जल्दी अच्छा हो रहल बा, जैसे वो जल्दी से आके आरती के अपना गला से लगावे और अपना ए पोता के अपना सीना से लगा ले। उनका बस चले तो अबे दौड़ के आ जाए अपना पोता के साथ दिन बितावे खातिर। लेकिन भैया आप पे सोची, अगर वो पोता रहल ही ना तो भाभी पर का बीती। उतर रो रो के अपन तबियत और खराब कर ली। हाँ भैया आप ही घर में सबसे बड़ बनी, ये घर के मुखिया हैं। ये निर्णय सिर्फ आप ही ले सके नहीं, आप ही फैसला करी। सिंधिया परिवार के पोता या सिंधिया परिवार की बहू, ये बात तो सच बा के यश और आरती बहू के जिंदगी खातिर हम और गायत्री दिन रात प्रार्थना के लिए बनी। ऐसे हमने के निर्णय तो बच्चा के हक में ही हुई,
लेकिन सवाल खाली हमने की इच्छा के नहीं के, उसे बड़ा सवाल ये बा के गांव बच्चा अच्छा तरीका से फल फूल पाई, स्वस्थ रह पाई। अगर ओकर माही स्वस्थ ना रहो तो, और सवाल खाली आरती बाऊ के तबियत एकर दर्द के नहीं के, माँ और बच्चा दोनों के जीवन दांव पर लागल बा। ये निर्णय ना तो हम ले सकते नहीं और ना ही परिवार के केहू सदस्य। ये कठिन फैसला तो दोनों पति पत्नी के ही लेवे के हुई, वो भी बहुत सोच विचार कैला के बाद। और यश, आरती बहू, हम तो दोनों से यह कहे के चाहब कि कोनो भी दबाव में अइला के जरूरत नहीं है। वो है निर्णय लिया लोग जोन तू दोनों के उचित लागो, जो ना में तार बच्चा लोग के भलाई होके। एक बात और, हम तारा दोनों से कहे के चाहता नहीं, ये विश्वास हम तारा दोनों के दिलावता नहीं कि तू लोग जोन भी निर्णय ले बलो, ओकरा में हम और ये पूरा परिवार सहयोग दीता हार। ये वचन बा सूरज प्रताप सिंधिया के। और हमके बहुत दुख के साथ कहे पड़ रहा बा कि ओकरा पास समय बहुत कम बा, शायद 2 या 3 महीना। कैसन माँ बानी हम, हमार बेटा इतना बीमार है और हमके बात के एहसास तक न रहे। लेकिन तोके कुछ ना होके दे प्रशांत, हमने तो हर अच्छा से अच्छा इलाज करवाई, बड़ा से बड़ हॉस्पिटल में लेके जा, तो हर जान बचावे खातिर अगर हमने के अपन सब कुछ दाव पे भी लगावे के पड़ल ना, तब भी पीछे ना हटब हमने। सुननी आप हम का कहानी। हाँ शुभा, हमने के अपन प्रशांत के कुछ ना होके दे, ये जान लेवा बीमारी के बलि ना चढ़े दे हमने के करा। यहाँ के डॉक्टर के मदद से हम डॉक्टर जायसवाल से बात के लिए बने, कैंसर स्पेशलिस्ट वाड़े हुए। कल के अपॉइंटमेंट में प्रशांत के केस स्टडी करके वो हमरा अच्छे से अच्छा सलाह दी, कुछ ना होके देम हम उनके अपन प्रशांत के। कहल जाला ना, उम्मीद पे दुनिया कायम बा। हमरा खातिर आंसू मत बहाओ माँ, हम बहुत सतावले बनी ना आपके, बहुत बहुत तकलीफ दिले बनी आपके, आप दोनों के बहुत दिल दुखोले बनी हम,
ये ओकरे सजा भोग रहल बनी हम। तो ऐसन काहे कह रहल बाड़ा बेटा, उस दिन हम नाराज होके तोहार जीते जी तोहार श्राद्ध कर देनी, लेकिन आज आज ये माँ तोहार जिंदगी खातिर मौत से भी लड़ पड़ी। प्रशांत, हमारा आखिरी सांस तक तो हमार आंख के सामने जियत मुस्कुरात रहा हमेशा। ये गो माँ के वादा अपन बेटा से। आरती जी, देखिए हम डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखल बा कि ये प्रेगनेंसी आपके खातिर बहुत रिस्की बा। यस जी, ये रिपोर्ट्स तब निकल वेले रहनी जब हम सच में बहुत स्ट्रेस्ड रहनी। बाकी आप जब से हमने मिलल बानी हमरा कोनो स्ट्रेस नहीं थे, हम बहुत खुश रहे लगल बानी। आपन पूरा ध्यान रखत आनी और हमरा यकीन बा कि आप कोनो भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं खे। ए, ए, एक मिनट आरती जी, थैंक यू। अब प्लीज यश जी, आप एक बार हमरा साथे डॉक्टर कुरियन के पास चली था, हमने फिर से सारा टेस्ट करवाई और फिर देखिया ए बार सारा रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हुई है, कोनो भी कॉम्प्लिकेशंस ना हुई। आप बस एक बार हमरा साथे चली डॉक्टर कुरियन के पास। हमारे ही बीमारी के वजह से नीता हमके छोड़ के चल गई, बहुत मनावे की कोशिश करनी ओकरा, लेकिन ना मिलस। काश मुश्किल वक्त में वो हमर संगे होके तो हम मौत से भी लड़ जाती। काहे पा हम जिंदगी में इतना अकेला काहे बानी। अभी अकेलापन और सहल लिखे जात मा, ये अकेलापन दीमा के तरह हमके अंदर ही अंदर से चाट रहल बा, खोखला कर रहल। हम जिंदगी में बहुत सारा गलती कैले बानी माँ, का हम जिंदगी भर वो गलतियन खातिर बस ऐसे ही अकेले तड़पत रह। प्लीज यश जी, आप एक बार हमरा साथे डॉक्टर कुरियन के पास चली था, हमने फिर से सारा टेस्ट करवाई और फिर देखिया ए बार सारा रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हुई है, कोनो भी कॉम्प्लिकेशंस ना हुई। आप बस एक बार हमरा साथे चली डॉक्टर कुरियन के पास। हम अभी तनी देर में आवतानी। कहाँ जाता नहीं आप? जी हम भाभी के पास जात रहनी, दर्द बहुत हो रहा और हमारा हाथ ना पहुंचा था यही से। आरती जी एक मिनट, हम आपसे कहले रहनी ना, आपके हेल्थ की जिम्मेदारी अब से हमार बा। अगर आप एतराज ना करी ता हम बैठी। काबिल आरती जी बैठी।
आरती जी आरती जी, वो एक्चुअली पेन कहाँ हुआ? आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं, धड़कनों से है बारिश, दौर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर जी। हाँ ना, वो पानी बहुत गर्म बना ऐसे। तनी तनी ऊपर, हाँ थोड़ा थोड़ा राइट, थोड़ा राइट में। यशी वहाँ ना, हाँ थोड़ा ऊपर। यशी आप बैग तो ठीक से पकड़ी, हमरा बिल्कुल भी आराम ना मिला था। आप रहे थी यशी, हमरा लगा था आप कंफर्टेबल नहीं थी, भाभी के पास चल जाता नहीं, हमरा बहुत दर्द हो रहा बा। ना ना आरती जी, हम कंफर्टेबल बनी। अच्छा हमरा के बताए कि एग्जैक्टली कहाँ पे पेन कहाँ एजा पका बते नहीं था हम। हाँ अब ठीक बा। थैंक यू यश जी, हमरा सच में बहुत आराम मिला था। आरती जी सिर्फ स्ट्रेस ही ना, आपके रिपोर्ट में 700 लिखल बाकी, आप बहुत कमजोर हो गए बनी, हाईली एनीमिक, ब्लड प्रेशर भी आपके ठीक नहीं है। आरती जी हमरा लगा था कि आपके अबॉर्शन करा लेवे की चाहिए। आरती जी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ल जा सकत, और सच्चाई यह बाकी आपके रिपोर्ट में साफ साफ लिखल बा कि आपके केस में आरती जी नॉर्मल डिलीवरी होखल पॉसिबल नहीं है। यश जी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल होखे, जरूरत बात है सिर्फ पॉजिटिव सोच रखे के। ये हालात में आरती जी केहू भी पॉजिटिव सोच कैसे रख सकता? जैसे हम कोशिश कर रहल बानी यश जी, वैसे हम आपसे बोल रहल बानी ना, हम अब अपन पूरा ख्याल रखब, अच्छा से खाएब, नींद पूरा करब, बिल्कुल स्ट्रेस ना लेब, अच्छा अच्छा सोचब, बुरा ख्याल आवे भी ना देब, और फिर देखिए सारा कॉम्प्लिकेशंस कैसे गायब हो जाला, और फिर हमने अपनी नन्हा सा मेहमान के ये दुनिया में लाके माँ बाबूजी के सपना भी पूरा कर दे। आरती जी आप हमारे पास समझत का है नहीं के? आप देखिए फिर से शुरू हो गए नहीं? हम शुरू हो गए नहीं, यह जी शुरुआत तो आप कर ले रहे। अच्छा हम शुरू हो गए नहीं, देखिए अभी आप कितना बोला था ना, नहीं हम जॉन भी बोला था नहीं, आपके भलाई खातिर बोला था नहीं आरती जी। हाँ तो हम हो तो आपन और हमने के होके वाला बच्चा के भलाई खातिर ही बोला था नहीं। आरती जी आप बचपना कहने की छोड़ देते, कहा जिद करता नहीं, ऐसे तो बहाना कि आपका वो दोबारा कंसीव नहीं कर सकत, प्रेग्नेंट नहीं हो सकत।
जीना पुलिस सुतल नहीं के पुलिस अपन काम ठीक से कर रहल बा प्रोड्यूसर के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑन बा हालांकि एकरा में टाइम जरूर लग रहल बा लेकिन एकर मतलब ये नहीं कि कातिल हमनी के नजर से बच के भाग गए बहुत ही पुख्ता सबूत मिलल बा हमनी के बार और इतना पता चलल बा कि करण मेहता के खूनी के हुआ और ना बल्कि एक औरत भी है और एकरा अलावा एक सबूत और भी मिलल बा करण मेहता के लाश के पास हमनी के एगो नेकलेस मिलल बा अभी नेकलेस वो खूनी तक हमनी के पहुंचाई हम दावा के साथ कह सकता नहीं कि कुछ ही दिन में वो कातिल औरत सलाखों के पीछे होगी हे भगवान ये कहो गए हमसे अब कहो कि सजा मिली अब गलती कैले हा तो सजा तो मिली ही ना चना भिगावे खातिर खाले रानी ना तोसे और तू भूल गयलू बाना हाँ भाभी वो एक्चुअली हम अरे इतना छोटा से बात से इतना काहे घबरा गयलू जैसे कि केहू के खून कर देलू अरे हम तो हर चिठानी बानी थोड़ा सा तो डांटे के हक हा ना हमके हम जाना तानी कि तू अपन मायके में किचन में कबो भी काम ना कैले बाड़ू और फिर ऐजा इतना बड़ फैमिली में तोके तकलीफ तो होत होगी ना पर तू कोशिश कर रहल बाड़ू यह बहुत है अरे टीवी काहे बंद कर देलू ऐसा न्यूज देखे से इंसान सतर्क रहेला कम से कम पता तो चलेला कि दुनिया में कैसन कैसन लोग बढ़े लगावा वापस न्यूज भाभी ओ, ओ ऐसा न्यूज देख के ना हमार मन घबराला ओ सॉरी कौनो बात ना हम अपन रूम में जाके देख ले बतानी अरे हाँ जे बात कहे आल रहने हो तो भूल ही गई नहीं एक्चुअली हम के अपन नेकलेस वापस चाहत रहे जे तू अपन पिंक साड़ी के ऊपर पहन के गए रहलू शूट पर वो एक्चुअली कहा कि हम अपन सब जोड़ी ना पॉलिस खातिर देवा था नहीं दे दा प्लीज हाँ भाभी कहे ना वो अलमारी में पढ़ल बा हम ढूंढ के आपके दे दे ठीक है आराम से दे दिया गुड नाइट गुड नाइट भगवान विधि भाभी की हरता पुलिस के हाथ लग गई हम कहां से लिए अब कहो कि न जाने अबू हर हमारे जिंदगी में कौन सा तूफान खड़ा करी टाइम हो गया आरती जी डॉक्टर कुरियन से बात हो गई बा हमार वो हमने के काल के अपॉइंटमेंट देले बाड़ी आप डॉक्टर कुरियन से बात करनी थैंक यू सो मच यश जी एकर मतलब आपके विश्वास हो गल बना कि अब सब कुछ नॉर्मल बा और हमार प्रेगनेंसी में अब कोनो कॉम्प्लिकेशंस ना रह गल बा पहले डॉक्टर से मिल लिया जा फिर उनकर ओपिनियन जान लिया जा आरती जी अगर आपके हेल्थ से जुड़ल प्रॉब्लम के कोनो सॉल्यूशन बा
तो उहे हुई जोन आप चाहता नहीं। हम आपके साथ जरूर थे, लेकिन अगर डॉक्टर कहलन के कोनो उम्मीद नहीं है तो आपके हमार साथ देवी के हुई आरती जी। दोनों ही सूरत में हमने के एक दूसरे के साथ देवे के हुई, एक दूसरे के सपोर्ट करे के हुई। हम तो हर कदम पे आपके साथ बानी अच्छी। बाकी हम एक बात के आपके विश्वास दिलावे चाहता नहीं, अगर आपके साथ ऐसे ही हमारा साथ रहल था तो हमार सारा मुश्किल दूर हो जाइए। एगो पिता के दिल ना टूटी, एगो माँ के आत्मा के चोट ना पहुंची। और एगो अजन्मा बच्चा से ओकर जिए के हक भी ना छीनल जाए। ईश्वर करो वैसे ने ओके जैसन आप चाहते नहीं। क्या आ गईल? ओ, ई नन्ना नन्ना हाथ ता हमार राजकुमार के बा। कौन सा वाला राजकुमार? मम्मा के राजकुमार। ओ मम्मा, आप तो हमके हमेशा पहचान जाए नी। कैसे? ई मम्मास मैजिक बा। हमरे पास भी को मैजिक है। बताएं। आप ही दो मुट्ठी में से एक मुट्ठी के चुना काहे? ओहो मामा, मैजिक हा। चलो ठीक है, हम बता बतानी। हमार एक मुट्ठी में हैप्पीनेस हा, खुशी, और दूसर मुट्ठी में हा सैडनेस, दुख। अभी देखो तानी, आप कौन से चुनाव? चलो जल्दी चूज करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो। Thank you.
कर देनी आप। आप तो गलत मुट्ठी चुननी। इमे तो सैडनेस भरल रहे। अरे मम्मा, आप तो हैप्पीनेस वाला मुट्ठी चुन ले रहनी। हम तो ऐसी मजाक करत रहनी। वैसे भी हम आपके सैडनेस थोड़ी दे। अभी मैजिक के ट्रिक बताएं। दोनों मुट्ठी में हैप्पीनेस रहे। बाना अच्छा वाला मैजिक। हम तो इतना अच्छा मैजिक बताई नहीं, फिर भी आपकी आंख में आंसू है। अभी आपके हैप्पीनेस मिला ला ना, तो स्माइल करी। ओह मम्मा, इतना स्माइल करी। मामा, आप हसे नहीं तो कितना क्यूट दिखे नहीं। मिस्टर संध्या जैसन की आप रिपोर्ट में देख ले होकब की आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बा। फिर इनकर हाई बीपी, लो हीमोग्लोबिन, शी इज हाईली एनेमिक। और ऐसन कंडीशन में प्रेगनेंसी कंटिन्यू कैल बहुत ही रिस्की बा। और ये बात हम आपके वाइफ के और इनके मदर के बता चुकल बानी। तो डॉक्टर, ऐसन हालात में आपका सजेस्ट करब? हम पहले ही आरती जी के सलाह देले रहनी अबॉर्शन खातिर। एक अलावा कोनो और रास्ता? अगर आप दोनों प्रॉमिस करते नहीं हमरा से कि बिल्कुल यही तरह से आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रही, तो एक सोल्यूशन बा हमरे पास।